हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार आज जो मैं वीडियो लाया उसमें मैं बातें करूंगा एमसीए थ्री ईयर कोर्स के बारे में और एमसीए लेटरल एंट्री कोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन है कि उन्हें एमसीए थ्री ईयर करना चाहिए या फिर एमसीए लेटरल एंट्री करना चाहिए। अगर कोई बीएससी है फिजिक्स से, मैथ से या फिर केमिस्ट्री से, या फिर किसी भी तरीके का उनका ग्रेजुएशन है जिसमें उनका ग्रेजुएशन में मैथ है या फिर प्लस टू में मैथ है, तब तो उनको थ्री ईयर का कोर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, वो लेटरल एंट्री में नहीं जा सकते हैं। बट अगर किसी ने बीसीए किया है या किसी ने बीएससी आईटी किया है या किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो उनके लिए दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं कि वो लेटरल एंट्री में भी जा सकता है और वो थ्री ईयर में भी जा सकता है, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एमसीए लेटरल एंट्री करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप को जज करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जो है एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा कि क्या आप प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल हैं, क्या आप मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल हैं, क्या आप प्रोग्रामिंग आराम से कर लेते हैं, आपके लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, क्या आपके जो है एल्गोरिदम अच्छा है, आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, या कम से कम आपका एक सी लैंग्वेज अच्छा है। अगर ये सब चीजों में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर आप लेटरल एंट्री के बारे में सोच सकते हैं और आप बिल्कुल लेटरल एंट्री में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब आप एमसीए लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है और फिर आप वही कोर्स पढ़ते हैं जो थ्री ईयर वाले थर्ड सेमेस्टर में आके पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स होता है एमसीए का, वो काफी एडवांस होता है। वहां पर एल्गोरिथम्स पढ़ाए जाते हैं, वहां पर डेटाबेस पढ़ाया जाता है, वहां पर नेटवर्किंग पढ़ाया जाता है। तो दैट मीन्स जितने भी कंप्यूटर साइंस के एडवांस कंसेप्ट है वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। और अगर आपने बीसीए अच्छा से नहीं किया है या आपने बीएससी आईटी अच्छा से नहीं किया है या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस अच्छा से नहीं किया है, आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाए। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि पहले आप अपने आप को जज करें, अगर आप लेटरल एंट्री में जाने के लायक हैं तो ही जाएं, अगर आप लेटरल एंट्री में जाने के लायक नहीं है तो मेरा ये सजेशन है कि आप फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन ले, आप एमसीए थ्री ईयर में जाएं, क्योंकि फर्स्ट सेमिस्टर में या किसी भी एमसीए में आप थ्री ईयर में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमिस्टर से जो पढ़ाई होती है उसमें ये माना जाता है कि आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं आता है और बहुत ही स्क्रेच वे में पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। पर हाँ, अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर तो लेटरल एंट्री का ऑप्शन ही नहीं है, जैसे आप निमसेट के थ्रू एनआईटीज में जाना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जाना चाहते हैं या फिर जेएनयू में जाना चाहते हैं, बीएचयू में जाना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो है रिनाउंड इंस्टीट्यूट या आप बोल सकते हैं रिनाउंड कॉलेजेज, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपके पास लेटरल एंट्री का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, अभी हमने वीडियो बनाया था सीयू सेट जो है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर लेटरल एंट्री है पर बहुत ही कम सीट है, केवल 20% सीट है, मतलब लगभग 10 सीटें ऐसे हैं जो कि केवल लेटरल एंट्री के लिए है, बाकी सारे सीटें जो है वो थ्री ईयर के लिए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तब लेटरल एंट्री कहां कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में लेटरल एंट्री है, जो यूपीसी के थ्रू एग्जाम होता है उसमें लेटरल एंट्री का अलग इंट्रांस होता है और जो है थ्री ईयर के अलग इंट्रांस होते हैं। यहां तक यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में थ्री ईयर भी है और लेटरल एंट्री भी है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी लेटरल एंट्री भी है और थ्री ईयर भी है, वहां पर भी दोनों कोर्सेज के लिए अलग अलग इंट्रांस एग्जाम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट के जो है कॉलेजेज हैं जहां पर लेटरल एंट्री है, पर एनआईटी में अभी तक लेटरल एंट्री नहीं है। वहां पर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको थ्री ईयर में ही लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपका क्या सजेशन है, आप क्या बोलते हो कि थ्री ईयर में जाना चाहिए या लेटरल एंट्री में जाना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है,
आप एक साल एफर्ट कर सकते हैं, मतलब एक साल अगर आपका जो है एक्स्ट्रा पढ़ने पे आपको कुछ नहीं जा रहा है तो मेरा सजेशन है कि आपको एमसीए 3 ईयर करने चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन है। पर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको एक साल का फीस ही बच रहा है और वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और दूसरा आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है बीसीए लेवल में, बीएससी आईटी लेवल में, बीएससी कंप्यूटर साइंस लेवल में, तो आप लेटरल एंट्री में जाए। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर आप कंपनी में जाते हो और कंपनी में भी क्या है कि सपोज डेट एक 3 ईयर के बच्चे का बायोडाटा आया, एक लेटरल एंट्री के बच्चे का आया और एक जो है डिस्टेंस एजुकेशन का आया, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा। और ऐसे सपोज डेट की 200 बायोडाटा है और उसमें कुछ जो है 3 ईयर के बच्चों का है, कुछ लेटरल के है और कुछ जो है डिस्टेंस के हैं, तो ऑब्वियसली जो है कंपनी कभी ये नहीं बोलेगी कि आप जो है डिस्टेंस के थे इसलिए मैं आपको नहीं ले रहा हूं, या आप जो है लेटरल के थे इसलिए मैं आपको नहीं ले रहा हूं। वो सिलेक्शन जो है वो आपके 3 ईयर वाले को प्रिफरेंस पहले देगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन आ जाता है कभी कभी, तो इसीलिए अपने तरफ से कोई भी लीक पॉइंट नहीं देना चाहिए, अपने तरफ से कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रखनी चाहिए। तो अगर आप 3 ईयर का एमसीए करते हैं तो आप हर एक जगह जो है आपको एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, 100% जगहों में एक्सेप्टेबल होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेटरल एंट्री खराब है, लेटरल एंट्री भी अच्छा कोर्स है, और बिल्कुल लेटरल एंट्री भी अगर एमसीए कर रहे हैं तो उस एमसीए की भी वैल्यू वही है जो एमसीए 3 ईयर की वैल्यू है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपको नॉलेज है तो लेटरल एंट्री भी करके आप उस लेवल पे जा सकते हैं और 3 ईयर करके भी उस लेवल पे जा सकते हैं। बट अगर आप अभी जो है बीसीए आपने किया है, बीसीए में बहुत अच्छी सी पढ़ाई नहीं की है, आप बीसीए ऐसे ही कोई नॉर्मल कॉलेज में पढ़े हैं जहां पर आप बहुत अच्छा बीसीए पे अपना ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो आपको 3 ईयर में जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।